ताज़ा तरीन और निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल विराट 24 न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, आपका स्वागत है विराट 24 न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ जिता। रीवा में विंध की सबसे महंगी कंक्रीट सड़क बन रही है। केंद्र से मिली राशि पर मिलकर लीपा पोती की जा रही है। सिर्फ 11 किलोमीटर सड़क बनाने में 100 करोड़ खर्च हो रहा है। 1 किलोमीटर सड़क की कीमत 9.5 करोड़ की बन रही है। ताज्जुब तो इस बात का है कि इसमें बेस पुराना ही उपयोग हो रहा है, लेकिन लागत कम नहीं हुई। WMS का भी खर्च बच गया, लेकिन लागत बराबर लग रही है। रीवा में यह विंध की सबसे महंगी और सबसे घटिया बन रही सड़क है। विंध में कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग मॉडल सड़क से महंगी नहीं बनी है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 17 वर्षों से किए जा रहे सड़क के निर्माण के नाम पर भ्रष्टाचार में अब नेता, रिश्तेदार, अधिकारी आखिरी कील ठोकते हुए अपनी तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं। चोराटा से रतहरा तक करीब 14 किलोमीटर लंबी सड़क में 11 किलोमीटर सड़क का कंक्रीटीकरण किया जाना है। वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत भूतल परिवहन मंत्रालय से रीवा को 150 करोड़ की राशि मिली है। इसमें सड़क के कंक्रीटीकरण के साथ ही समान तिराहे पर फ्लाईओवर का निर्माण भी शामिल है। इस प्रोजेक्ट को शुरू हुए करीब 3 साल का समय गुजर गया, अब तक प्रोजेक्ट आधा भी पूरा नहीं हुआ है। यह सड़क विंध की सबसे महंगी सड़क भी मानी जा रही है। विंध में कोई भी ऐसी सड़क नहीं जो इतनी महंगी बन रही हो। 14 किलोमीटर सड़क के लिए केंद्र से राशि स्वीकृत कराई गई। राशि 14 किलोमीटर के लिए मिली तो, लेकिन सड़क की लंबाई घटाकर 10.50 किलोमीटर कर दिया गया। पुरानी NH के बेस पर ही कंक्रीट की परत बिछाई जा रही है। इस सड़क में कहीं भी पुल या पुलिया नहीं बन रही है, सीधी कंक्रीट सड़क ही बनाई जा रही है। इस पर भी प्रति किलोमीटर सड़क की कॉस्ट करीब 9.52 करोड़ पर किलोमीटर पहुंच रही है। इसके मुकाबले में NH और PWD की कोई भी सड़क महंगी नहीं रही है। इसी सड़क के साथ कई सड़कें बनकर पूरी हो गई और यह अभी अधूरी है। जो सड़क बन रही है उसका घटिया निर्माण किया जा रहा है। अगर तुलना करें रीवा से सिरमौर तक बन रही सड़क में तो एक भी जर्क नहीं है, कहीं सड़क धसी या फटी नहीं है, जबकि रतहरा से चौराहटा तक बन रही सड़क में जर्क ही जर्क है। रीवा से सीधी मार्ग, रीवा से जबलपुर मार्ग का भी यही हाल है, लेकिन चौराटा से रतहरा रोड अपनी घटिया निर्माण और निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार की कहानी यहाँ के जर्क और धंसी सड़क चीख चीख कर बता रही है। जो सड़कें बनी हैं उनकी लागत और प्रति किलोमीटर खर्च की अगर तुलना करें तो बेला से सतना 48 किलोमीटर सड़क बनाई गई, जिसकी लागत 315 करोड़ यानी प्रति किलोमीटर 6.56 करोड़ आई। मनगवा से चाकघाट, जिसकी लंबाई 52 किलोमीटर है, लेकिन लागत 419 करोड़ है। प्रति किलोमीटर खर्च की बात करें तो 7.87 करोड़ प्रति किलोमीटर आया है। रीवा से हनुमना 94 किलोमीटर सड़क बनी है, जिसका खर्च 736 करोड़ आया है। प्रति किलोमीटर खर्च की बात करें तो 7.8 करोड़ तो रुपए आया, लेकिन रीवा से चौराहट की लंबाई 57.80 किलोमीटर है, जिसकी लागत 259 करोड़ है। प्रति किलोमीटर की बात करें तो 4.54 करोड़ आई है, जबकि चौराहटा से रतहरा की बात करें तो जिसकी लंबाई 10 किलोमीटर है और जिसका प्रति किलोमीटर 9.52 करोड़ रुपए खर्च आ रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि यह सबसे महंगी और घटिया सड़क का पैसा किसकी तिजोरी में जा रहा है। कई साल हो गए भैया इसको, कई साल रोड इसी तरह, हाँ रोड इसी तरह खराब है। किस तरह की दिक्कतें आती है सामने? धूल धक्कड़, एक्सीडेंट भी होता है भैया, बहुत एक्सीडेंट होता है कभी। और क्या बीमारियाँ? धूल है, हाँ जी, जुकाम उकाम होती है इससे। और क्या दिक्कतें आती हैं? और तो हो गए, देख ही रहे हैं कि भूत हो जाता है, आदमी चलता है तो एकदम पहचान में नहीं आता है। क्या नाम है? हमारा नाम है सुशील त्रिपाठी। ये बस स्टैंड से बाईपास तक जाती है ये रोड। ये यहाँ पे दिक्कतें क्या है? क्या दिक्कतें है? चलने में बहुत ज़्यादा होती है, आँख नहीं दिखता, इतनी धूल है, इतना प्रदूषण है, गिर जाते हैं लोग चलते हैं। ये इसी प्रकार की दिक्कतें बहुत सारी है। और अंदर भी जो खुदाई हुई है उन नालियों में इतने गड्ढे हैं, बाइक से लोग चलते हैं तो गिर जाते हैं, अच्छे से उसकी भी पटाई नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ललित तिवारी है। ये तो भैया HN 7 इलाहाबाद रोड है, चौराहटा से रतहरा, ये पूरा इलाहाबाद रोड है HN 7।
यहाँ पे दिक्कत क्या है, रोड खराब है? क्योंकि दिक्कत यही है कि यहाँ पे खोद दिया, वहाँ पे खोद दिया, यहाँ पे काम किया, फिर वहाँ पे ना किया और पानी डाल दिया। बस एक बार, दिन में चार बार धूल उड़ती है सारा दिन, एक बार पानी डाल दिया 10 मिनट में सब उड़ जाता है, फिर धूल उड़ना चालू। पब्लिक लिए सबसे ज़्यादा धूल है, डस्ट ज़्यादा हानिकारक है। यहाँ पे छोटे व्यापारी भी, दुकानदार लगे? हाँ, छोटे व्यापारी वो भी प्रभावित है भाई, उस हिसाब से कभी इधर का मार्ग खुला, कभी उधर का बंद, तो उसमें जो तो प्रभावित है धंधा। आए दिन घटनाएं भी होती है? हाँ, घटनाएं हो गया, स्लीप होके लेडीजे गिरती हैं, जेंट्स गिरते हैं, काम है, क्या करेंगे उसको हम पकड़ के। सरकार से कुछ मांगे आपकी? अरे सरकार से हम यही मांगेंगे कि भाई जितना जल्दी हो सके तो व्यवस्था हो जाए, पब्लिक को कम से कम डस्ट कम खाना पड़े, इतने मांगते हैं। मेरा नाम इंद्रभान है। खराब पड़ी हुई है, कब से खराब है? अरे ये बहुत दिन से खराब पड़ी हुई है। यहाँ तो सबसे ज्यादा डस्ट से इतनी ज्यादा एलर्जी है हम लोगों की, डस्ट की वजह से समझ लीजिए हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है। डस्ट की वजह से समझ लीजिए पूरा और आए दिन जुकाम होता रहा, तो इस टाइम कोरोना का चल रहा है, जुकाम इससे बचे, कोरोना से बचे आदमी। हाँ, डस्ट से इतना एलर्जी लोगों को हो रहा है, पूरा शाम को जब जाओ घर तो ऐसा लगता है कि पूरा गले में खराश बनी हुई रहती है, इतना डस्ट है। और पहली बात तो हम लोग भाई छोटे छोटे धंधा वाले हैं, इतना रोड खराब होने की वजह से यहाँ तो समझ लीजिए कस्टमर आने का नाम ही नहीं लेता, कस्टमर कहाँ से आए भाई, इतनी रोड खराब है। लेडीज़ लोग भाई ना गाड़ी चला, कितने लोग ने, यह पानी डल जाता है, कितने लोग फिसल फिसल के रोड डेली गिरते हैं, 2-4-6 लोग तो रोड डेली गिरते हैं। अभी उस दिन एक्सीडेंट वो भी हुआ है, ऐसे ही गाड़ी स्लिप कर गई, वो बच गया, ट्रक के उसके ब्लोरो जा रहे थे उसके नीचे बच गया गिरने से। बहुत ज़्यादा यहाँ दिक्कतें हो रही रोड की वजह से, इतना डस्ट है कि समझ पूरा दिन भर पूरा बाल वाल सब सफ़ेद पड़ जाता है पूरा आधे घंटे। क्या असर पड़ा है आप लोग धंधे में? बहुत कुछ नहीं है, हम लोग खाली बैठे हुए हैं। मजबूरी ये है कि भाई कोई कस्टमर इसमें कहाँ आ पाएगी, ना खड़ी गाड़ी खड़ी करने की जगह है, ना निकलने की जगह है। जाम तो ऐसा लग जाता है, 2-2 घंटे तक जाम ही लगा रहता है, 2-2 घंटे तक जाम ही नहीं खुलता, ये हालत है यहाँ रोड की। देखिए 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, राजेंद्र शुक्ला जी यहाँ के विधायक भी हैं और मंत्री भी थे, एक पावरफुल मंत्री थे वो। मैं तो ये देख रहा हूँ कि 15 साल विगत 2004 से लेकर और 2018 तक ये रोड बनती रही, फिर 2016 में इसका 17 में इसका एक बार पुनः टेंडर हुआ 100 करोड़ की रोड का। तो आप सोचिए कि 10 किलोमीटर की सड़क 100 करोड़ की निविदा को लाई गई और इस 100 करोड़ की निविदा में उसमें कंक्रीट की रोड और आपका दोनों साइड की नालियां प्लस सौ करोड़ की निविदा कराई गई 2016 में, 100 करोड़ की निविदा कराई गई। 100 करोड़ की निविदा में आप समझिए कि रीवा की ये सड़क इस संभाग की, मतलब इस जिले की बोलना चाहिए, इस जिले की इससे महंगी कोई सड़क नहीं होगी। विगत 15 वर्ष से इसमें करोड़ों रुपए खर्च हो चुके, उन्हें 100 करोड़ रुपए की निविदा उलाई गई, 10 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की ये 4-लेन सड़क बन रही है जिसमें नाली भी है और डिवाइडर भी है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि बनेगी कब? 15 वर्ष से इस शहर की जनता लगातार धूल खा रही है और धूल से सरोवर हो रहा है और स्थिति ये हो गई है कि आज रीवा शहर के लोगों का जीना दुर्लभ हो गया, व्यापार बंद हो गया, कई लोगों ने दुकानें बंद कर दी। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो इस तरह की सड़कों का भ्रष्टाचार का जाल बिछा है उसका कोई न जांच हो रही है ना उस पर कोई कार्रवाई हो रही है। हम लोगों ने कलेक्टर को बोला, वो निगरानी चालू किए, वो भी ठंडे हो गए। संभागीय कमिश्नर को बोला, वो भी ठंडे हो गए। ऊपर लिखा, कोई जाँच नहीं हुई। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि जिस तरह का इस सड़क में पैसा लगाया जा रहा है ना, उस तरह की उसकी गुणवत्ता है और ना उस तरह से उस रफ्तार से उसका कार्य चल रहा है। जो संविदाकार इसके कोई इंदौर के गोयल कंपनी है वो लिए हैं, उनका कभी ना उन्होंने कोई काम चालू किया, उन्होंने यहाँ किसी सब कॉन्ट्रेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, ना वहाँ पर कोई मशीनरी है। ये तो एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू सबसे बड़ा, रीवा में धूल का और रीवा के लोगों का जीने जो जीना मुश्किल किए हैं वो है रीवा नगर निगम। 210 करोड़ की सीवरेज योजना चालू की गई और जिस घटिया
अस्तर का कार्य सीवरेज का रीवा शहर में हो रहा है, के स्पन के द्वारा उतना घटिया स्तर का कार्य कहीं पर भी नहीं हुआ। हम लोगों ने शुरू में ही इसका मामला उठाया था कि ये कंपनी एलिजिबल ही नहीं काम करने के लिए, और उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के महापौर थी, उन्होंने कोई इस पर संज्ञान नहीं लिया, लोकायुक्त किया, सरकार उनकी थी, वो भी मामला समाप्त कर दिया गया। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो कंपनियां और जो सड़क की कंपनियां एक तरह से कार्य नहीं कर रही हैं, जनता के टैक्स के पैसा द्वारा सारे कार्य किए जा रहे हैं, ऐसी कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए। और जो एजेंसी इसकी निगरानी कर रही है, उनके जो संबंधित एसडीओ सब इंजीनियर जो भी हैं उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, FIR करनी चाहिए, क्योंकि आम जनता की सुविधा के लिए जो चीज़ बनाई जा रही है अगर उसमें उनको कष्ट हो रहा है तो इससे अधिक दुख की बात और कोई हो ही नहीं सकती है कि जिस सुविधा के लिए हम जिस जनता की सुविधा के लिए हम सड़क बना रहे हैं वो जनता के उसमें चल नहीं पा रही। जब सड़क बन के तैयार हो जाएगी तो सड़क उखड़ना शुरू हो गई, सीवरेज सिस्टम चालू नहीं हुआ। मैं तो आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ रीवा के कलेक्टर को, संभागीय कमिश्नर को, नगर कमिश्नर को कि बगल के साहब जबलपुर में निर्माण कार्य चल रहा, फ्लाईओवर का चल रहा है, सड़क का चल रहा है, सीवरेज का चल रहा है, वहाँ पर जाकर देखें सुरक्षा के सारे मापदंडों के साथ गुणवत्तापूर्ण कार्य चालू है। यहाँ तो गुणवत्ता ही नहीं है ना सुरक्षा के मापदंड है, तो सारा कुछ जो है ये भाजपा का भ्रष्टाचार इस शहर में दिखाई दे रहा है, जिसका आने वाले नगरीय निकाय के चुनाव में जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। देखिए ये चुराहटा से जो रतहरा सड़क मार्ग है ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। अब इसमें चाहे जिसकी सरकार रहे, बीच में कांग्रेस की 15 महीने के लिए सरकार आई, लेकिन विगत 16 साल से BJP की गवर्नमेंट है। और मैं इस रोड में हमेशा जब जब गुजरा हूँ तो काम होते ही देखा हूँ, कभी ये पूर्णतः बन करके व्यवस्थित मार्ग कभी नहीं हुआ। पूरे कोरोना काल में कोरोना से भी बड़ी महामारी इस रोड का प्रदूषण था। बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने आंदोलन किया, विरोध किया, मीडिया ने ज़बरदस्त विरोध किया, क्योंकि जो भी व्यक्ति रीवा ज़िले में निवास करता है, जो गुजरता है, सारे लोगों ने इस रोड के भ्रष्टाचार की निंदा किया। अभी हाल ही में CM शिवराज सिंह जी आए तो रोड में मरहम लगाने का काम किया गया, करोड़ों रुपया बहा दिया गया और दूसरे दिन फिर से वो रोड उखड़ गई। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी का आगमन हुआ रीवा के अंदर। मैं उस रोड से अभी गुजरा, मंडी तरफ से आ रहा था, उस रोड में 3-4 टैंकर लगे हुए थे, पानी बहा करके उसकी धूल को बैठाने का काम किया जा रहा था। इतनी भ्रष्ट और निकम्मी सरकार मैंने कहीं नहीं देखा। जिस तरह से ये खुलेआम अपराध कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, जनता गुहार मार रही है, इन बेशर्मों को शर्म नहीं आ रही है। मैं घोर निंदा करता हूँ इनके भ्रष्टाचार की जी। और बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं, आप देख रहे हैं, जो इन्होंने सीवर लाइन डालने का काम किया है उस पर इन्होंने फिलिंग नहीं किया है और वो रोड धंस रही है और कई जगह वाहन पलटे, कई लोग गड्ढे में गिरे, पूरी तरह से दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रही है लगातार ये सड़क। तो मैं घोर निंदा करता हूँ और मैं अब मुझे ये नहीं लग रहा कि मैं किस एजेंसी से मांग करूँ कि इस रोड की जाँच हो। सारी एजेंसियां सरकार के दबाव में कार्य कर रही हैं, पूरी तरह से एजेंसियां और सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है, ये मेरा आरोप। देखते रहिए तमाम बड़ी खबरों के लिए विराट 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।